बताते आगे स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स के पार्ट फोर को। तो पार्ट फोर में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फैक्टर थ्योरम। तो कल वाले हमने टॉपिक में डिस्कस किया था रिमाइंडर थ्योरम को, आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर थ्योरम को। तो दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम में हम रिमाइंडर को फाइंड आउट करते थे, फैक्टर थ्योरम में हम सिर्फ पता करते हैं कि एक पॉलिनोमियल जो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो वो हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि कल भी हमने क्वेश्चन किया था ये देखने के लिए कि भाई कि क्या कोई गिवन पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो दोनों लगभग सिमिलर ही है, रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो एग्जांपल के बेसिस पर ही हम इनको थोड़ा क्लियर करते हैं आपको। तो देखिएगा एग्जांपल वन है यहाँ पर, शो डैट एक्स माइनस थ्री इज़ ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि जो एक्स माइनस थ्री है वो इस पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15 का एक फैक्टर होगा। तो हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, तो जिसके बारे में आपको पता करना है कि वो फैक्टर है या नहीं है, तो पहले हम उसको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। तो हम एक्स माइनस थ्री को यहाँ पर इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा थ्री। फिर एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे हम पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है, जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है पहले हम उसको लिखेंगे, उसके प्लेस फिर उस पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल के प्लेस पर यानी एक्स के प्लेस पर थ्री को पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन का तरीका आपको हमने पिछले दो क्लास में आपको बता चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पावर को सॉल्व कीजिएगा, देन उनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, देन लास्ट में प्लस माइनस कीजिएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर, कैलकुलेशन करने पर, सॉल्व करने पर, वैल्यू थ्री पुट करने पर उसका सोल्यूशन जीरो आ रहा है, यानी रिमाइंडर जीरो आ रहा है। और रिमाइंडर जीरो आने का मतलब ये होगा कि जो पॉलिनोमियल है वो गिवन पॉलिनोमियल से एग्जैक्टली डिविजल है। डैट मीन्स एक्स माइनस थ्री जो होगा वो इस एफ एक्स का, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो जब भी आपको पता करना हो कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है, तो हम पहले पॉलिनोमियल से वैल्यू निकालेंगे, वेरिएबल की पुट करेंगे दूसरे पॉलिनोमियल के अंदर, अगर उसका सॉल्यूशन इक्वल टू जीरो आ जाएगा डैट मीन्स रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल जो होगा वो सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, ठीक है। एग्जांपल टू देखिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज़ द पॉलिनोमियल टू इंटू एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस टू के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस टू। तो कह रहे हैं कि अगर ये पॉलिनोमियल जो है अगर वो एक्स प्लस टू से डिविजिबल हो, यानी x प्लस टू इसका एक फैक्टर हो, तो आप k की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिएगा। सिमिलर प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले x प्लस टू को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस टू। देन अब क्योंकि x प्लस टू यहाँ पर आप इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन में गिवन है कि जो x प्लस टू है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इट मीन जब हम x के प्लेस पे वहाँ पे माइनस टू पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो उसका रिमाइंडर वहाँ पर जीरो आएगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि एक्स प्लस टू इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इट मीन जब हम एक्स वैल्यू को पुट करेंगे पॉलिनोमियल के अंदर, तो उसका सॉल्यूशन जीरो के इक्वल वहाँ पर आएगा ही आएगा, वो ऑलरेडी आपको गिवन। दैट मीन्स पी माइनस टू जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा। पी फॉर पॉलिनोमियल माइनस टू का मतलब एक्स के प्लस में माइनस के टू पुट करने पर इक्वल टू जीरो, डैट मीन्स रिमाइंडर जीरो आएगा। अब देखिए आगे हमने करा क्या, एक्स के प्लस पे पहले हमने पॉलिनोमियल को पुट किया, एक्स के प्लेस पर माइनस के टू पुट किया, सॉल्यूशन किया, पहले पावर सॉल्व कीजिएगा फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा देन लास्ट में प्लस माइनस कीजिएगा, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 8 प्लस 8 के। अब जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो पी माइनस के टू होगा वो इक्वल टू जीरो होगा, डैट मीन्स पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर होगा जीरो के इक्वल होगा, तो इसको हम जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। अब जीरो के इक्वल पुट करेंगे 8 प्लस 8 के को, तो 8 के इक्वल टू आ जाएगा माइनस 8, देन के इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 1, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाएं कि भाई फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कीजिएगा, के की वैल्यू को या किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिएगा, तो आपका प्रोसीजर बिल्कुल वही रहेगा कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सब वेरिएबल की वैल्यू को निकालें, सेकेंड पॉलिनोमियल के अंदर उसको पुट कर दें, उसका सॉल्यूशन करें, फिर लास्ट में उसके सॉल्यूशन का इक्वल टू जीरो पुट कर दें, बिकॉज फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर था ये रीज़न देकर। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जो कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू को आप ऑब्टेन आसानी से कर लेंगे। आगे देखते हैं, तो आई थिंक इसमें आगे नहीं है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं उसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं कि या तो आपको उससे कहा जाएगा कि भाई जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड का फैक्टर है या नहीं है, तो आप पहले एग्जांपल के जैसे उसको चेक कर सकते हैं, या आपसे कहेंगे कि अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो आपको मतलब अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर अगर है तो कांस्टेंट के की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिएगा, तो आप दूसरे एग्जांपल जैसा हमने अभी सॉल्व करके देखा उसके जैसे वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं जो कि होगी 2.4, उसके जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 होंगे वो बिल्कुल इन्हीं के बेसिस पर होंगे। तो आज आप उन्हीं क्वेश्चंस को करके देखिएगा। उन क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप किसी भी टाइम पर आप मुझे मैसेज या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को फिर भी डाउट रह जाता है तो हम इवनिंग के टाइम पर जूम मीटिंग को लेकर हम तब भी उस डाउट को आपको क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, थैंक यू।